हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एज ग्रोन. दिस इज प्रीति गुप्ता, योर्स आईटी एजुकेटर. तो बच्चों, यहाँ पर हम वापस आ गए हैं अपने बहुत ही नए सेशन के साथ, जो कि होने वाला है आपकी क्लास 9th आईटी को लेकर, राइट? तो जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, अभी तक हमने क्लास 9th आईटी में अपने दो यूनिट कवर कर लिए हैं, और जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा हमारा यूनिट नंबर 3, दैट इज डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, राइट? तो आई होप बच्चों, अभी तक हमने जो अपने दो यूनिट कंप्लीट किए हैं, आप सभी ने उनको अच्छे से पढ़ लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा, राइट? जैसा कि हमारा लास्ट यूनिट था, जो यूनिट नंबर 3 था, कि हमारी कीबोर्डिंग स्किल्स कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से हम टच टाइपिंग कर सकते हैं, अपनी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे हम नंबर में अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, राइट? किस तरह से हम अपने वर्ड्स पर मिनट की जो हमारी स्पीड्स है वर्ड्स को टाइप करने की, किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, आपने ये सारे प्रैक्टिकल करके देख लिए होंगे, और आई होप आप अभी तक धीरे धीरे अपनी स्पीड पर कमांड करना सीख गए होंगे, राइट? आपने अपनी फिंगर्स को अपने वर्ड्स की पोजीशन को मेमोराइज कर दिया होगा, ऐसा मैं आप सभी से क्या कर रही हूँ, उम्मीद कर रही हूँ, राइट? तो बच्चों, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंच गए हैं अपने यूनिट नंबर 3 पर, जो कि होने वाला है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन. तो सबसे पहले हम इसका बेसिक इंट्रो समझ लेते हैं कि भाई डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है. जनरली मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि डॉक्यूमेंट क्या होते हैं. जनरली डॉक्यूमेंट क्या होता है, किसी भी, जैसे कि आपकी मार्कशीट हो गई, स्कूल से आपको कोई सर्टिफिकेट मिला है, या आपने किसी भी चीज में कुछ पार्टिसिपेट किया है, तो वहां पर आपको क्या मिला होगा, कुछ प्रमाण पत्र मिला होगा, राइट? तो जो भी प्रमाण पत्र मिला है, जिस भी टाइप में या जिस भी फॉर्मेट में वो टाइप हुआ है, वो क्या कहलाता है, आपका डॉक्यूमेंट कहलाता है. अब डॉक्यूमेंट जो बना है वो कई तरीकों से बना है, जैसे कि कहीं में आपने देखा होगा कि कुछ में आपके वर्ड्स थोड़े से टिल रहते हैं, इटैलिक रहते हैं, बोल्ड रहते हैं, तो ये सारी चीजें कैसे की जाती है, राइट? क्या कंप्यूटर पे ये सारी चीजें करना पॉसिबल है? क्या आज के टाइम पे ये सारी चीजों को हम अपने डॉक्यूमेंट को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, नई नई चीजें ऐड कर सकते हैं? तो ये सारी चीजें कैसे ऐड की जाती हैं और कैसे इनको यूज किया जाता है, आज के चैप्टर में बच्चों हम ये सारी चीजें आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे चीजें टाइपराइटर से शुरू हुई, कहाँ पे ये पहुंच चुकी है, राइट? तो चलिए बच्चों, पहले हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जो आपकी बुक में आपको दिया हुआ है, राइट? चलिए देखिए. इन अर्लियर डेज मैनुअल टाइपराइटर वर यूज्ड फॉर टाइपिंग अ डॉक्यूमेंट व्हिच वाज रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर एंड नाउ अ कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस. पहले क्या होता था बच्चों, मैनुअल टाइपराइटर्स होते थे, मतलब सारी चीजें हमें अपने हाथ से ही करनी पड़ती थी. आपने देखा होगा कई बार प्रिंटिंग की शॉप पे आप कभी गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि वहां पर एक छोटे छोटे से वर्ड्स होते थे, पहले उनको क्या करना होता था, सारी चीजों को अपने मैनुअली सेट करना होता था. सारी एक छोटी छोटी सी टाइल्स होती थी जिनको सारा चीजें सेट करनी होती थी, देन उसको क्या किया जाता, प्रिंट किया जाता था. वो ये कह रहे हैं कि उस जमाने से लेके इस जमाने में क्या डिफरेंस आया है, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब मैनुअल टाइपराइटर से लेके इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर से लेके आज हम क्या यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, राइट? अब देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन आर द मोस्ट कॉमन एक्टिविटीज परफॉर्म इन एन ऑफिस. मतलब जो भी एक तरीके का ऑफिस होता है, वहां पे क्या किया जाता है, वर्ड प्रोसेस किए जाते हैं, डेटा प्रोसेस किया जाता है, कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन किया जाता है, या तो वो मतलब एसएमएस के थ्रू हो, या डॉक्यूमेंट्स के थ्रू हो, या ऑनलाइन हो, राइट? एंड प्रेजेंटेशन आर द मोस्ट कॉमन एक्टिविटीज परफॉर्म इन एन ऑफिस, राइट? ऑफिस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर इज यूज टू परफॉर्म दीज एक्टिविटी इफेक्टिवली, राइट? अब देखिए, अ डॉक्यूमेंट इज अ पेपर विथ रिटन कॉन्टेंट एंड द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन, राइट? डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व द कंटेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड और टू बी यूज एज अ एविडेंस. मतलब हम डॉक्यूमेंट क्यों प्रिपेयर करते हैं, कि भाई आपको ये चीजें पता रहे कि प्रिजर्व रहे कि हाँ आपने क्लास 10th पास कर लिया है, हाँ आपके पास उस चीज का प्रूफ रहे कि हाँ ये आपका प्रूफ है कि आपने क्लास 10th को पास कर लिया है, मतलब हम
उसको एक एविडेंस के रूप में रखते हैं, किसी भी तरीके के एक डॉक्यूमेंट को, जैसे कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट हुआ, आपका आधार कार्ड हुआ, आधार कार्ड भी इज अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, आपका जिस भी तरीके के डॉक्यूमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरीके के एविडेंस के रूप में काम करते हैं, जो बहुत लंबे समय तक आपके पास स्टोर रहते हैं, राइट। अब देखिए, द डॉक्यूमेंट्स कैन बी लेटर, रिपोर्ट्स, थीसिस, मैन्युस्क्रिप्ट, लीगल डॉक्यूमेंट, बुक्स एक्सेट्रा। अ हैंड रिटन डॉक्यूमेंट कैन सर्टेन डिसएडवांटेज लाइक अंडरस्टैंडिंग द स्पेसिफिक हैंड राइटिंग। विद द एडवांसमेंट इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड अ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, द प्रोसेस ऑफ हैंड रिटन डॉक्यूमेंटेशन कॉन्सिक्वेंटली ऑटोमेटेड टू कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग, राइट। अब यहाँ पे आपको बताया है कि जो आपका डॉक्यूमेंट होता है वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, राइट, जैसे कि लेटर हो सकते हैं, रिपोर्ट्स है ना, थीसिस, लीगल डॉक्यूमेंट्स या वर्ड, या किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट आपके हो सकते हैं, राइट। पहले क्या होता था, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स होते थे, राइट। हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स के डिसएडवांटेज ये होते थे कि भाई कई बार क्या होता था कि जो स्पेसिफिक राइटिंग है, जो स्पेसिफिक हैंड राइटिंग है, किसी को समझ आ रही है, किसी को समझ नहीं आ रही है, हाँ, तो ये क्या हो गया, इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। बट अब जब हम कंप्यूटर हार्डवेयर यूज कर रहे हैं तो वहां पे क्या होता है, हम अपनी तरीके से अपनी जो बोल्ड, इटैलिक, जो भी हम वर्ड चाहते हैं उनको यूज कर सकते हैं, ताकि क्या हो, वो क्लियरली आपको इनेबल होके दिखे, मतलब सारे लोग उसको क्लियरली पढ़ सके। तो ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंटेशन का इंट्रो, कि डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं, पिछले टाइम में कैसे यूज किए जाते थे, और आज के टाइम में ये कैसे यूज किए जाते हैं, राइट बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, एक तरीके का टाइपराइटर है। यहाँ पर एक क्वर्टी कीपैड कीबोर्ड होता था, और यहाँ पर एक पेपर लगा होता है जिसमें आप यहाँ पे इस कीज को प्रेस करोगे और यहाँ पे वो वर्ड्स क्या होते जाते हैं, टाइप होते जाते हैं, राइट। जैसे आपको लाइन चेंज करनी होती है तो शायद यहाँ पर एक लंबा सा स्टिक होता था, उसको आप अंदर प्रेस करते हो तो लाइन आपकी क्या हो जाती थी, शिफ्ट हो जाती थी, राइट। अब देखिए आगे चलते हैं हम। अ डेटा एंट्री ऑपरेटर शुड पॉसेस द स्किल टू यूज अ ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल्स विद अ गुड टाइपिंग स्पीड। मतलब जो भी एक डेटा एंट्री ऑपरेटर होता है, वो अपनी ऑफिस की स्किल को अगर दिखाना चाहता है, अपनी प्रोडक्टिविटी को दिखाना चाहता है, तो सबसे मेनली मेन प्राइमरी चीज उसके पास जो होनी चाहिए वो है उसकी टाइपिंग की स्पीड। मतलब उसकी टाइपिंग की स्पीड अच्छी होनी चाहिए विद एक्यूरेसी। ऑल दो टाइपिंग स्किल इज असेंशियल क्राइटेरिया फॉर अ डेटा एंट्री ऑपरेटर, अ लिटिल केयर हैज टू बी टेकन वाइल यूजिंग द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अ टाइप इज यूज टू अ टाइप इज सॉरी अ टाइप इज यूज टू हिट द स्पेस बार अ नंबर ऑफ टाइम टू अरेंज द टेक्स्ट। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन अ कंप्यूटर एज अ ऑटोमेटेड फीचर फॉर एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग आर अवेलेबल। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो एक टाइपिस्ट होता है वो अपनी नंबर लाइन की स्पेस बार को क्या करता है, बार बार प्रेस करता है, क्या, अपने सिम्बॉल या अपने टेक्स्ट को अरेंज करने के लिए। बट क्या होता है, कंप्यूटर में इस तरीके की चीजें को यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर में ये चीज क्या होता है, ऑटोमेटिक फीचर होता है, मतलब कंप्यूटर में ये फीचर ऑटोमेटिक होता है, आपको बार बार स्पेस की को प्रेस करने की जरूरत नहीं होती है अपने वर्ड्स को रीअरेंज करने के लिए। अब देखिए बच्चों, वर्ड प्रोसेसिंग इज द यूज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू एंटर, एडिट, फॉर्मेट, स्टोर, रिट्राइव एंड प्रिंट द डॉक्यूमेंट। द डॉक्यूमेंट कैन बी लेटर, नोटिस, रिपोर्ट, बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एक्सेट्रा। तो जो वर्ड प्रोसेसिंग होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए, उसमें आप अपने वर्ड्स को प्रोसेस कैसे कर सकते हो, एंटर करके, एडिट, फॉर्मेट, रिट्रीव या प्रिंट, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, आपकी वर्ड प्रोसेसिंग कहलाती है। ये सारी चीजों को यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट को और ज्यादा एनहांस कर सकते हो और ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों। अ वर्ड प्रोसेसर इज अ कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रिंटेबल मटेरियल। इन द बिगिनिंग वर्ड स्टार वॉज द मोस्ट वाइडली यूज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। देर आर सेवरल लिमिटेशन टू यूजिंग अ टाइप राइटर विच आर गिवन बिलो। मतलब पहले के टाइम में जो टाइप राइटर होते थे उनकी क्या होती थी, कुछ लिमिटेशन होती थी। मतलब क्या था कि उनमें कुछ ही चीजें थी जो आप यूज कर सकते थे, मतलब इतना ज्यादा वो ब्रॉड नहीं
नहीं ताकि उसमें आप सारी चीजों को कर सको। देखिए यहाँ पे आपकी बुक का एक फॉर्मेट हमने लिया है, द टर्म वर्ड प्रोसेसिंग वॉज इन्वेंटेड बाय IBM, दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, राइट। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है कि IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है बच्चों इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। In the late 1960s, by 1971, it was recognized by the New York Times as a buzzword, right? इसका सोर्स आपके पास दिया है, देखिए यहाँ पर एक लिंक दी गई है जिससे आपको सोर्स दिया गया है कि मतलब आप इस लिंक पे जाके इसके पूरे आर्टिकल को रीड कर सकते हो। तो ये याद रखिएगा, जो वर्ड प्रोसेसिंग टर्म है सबसे पहले इन्वेंट की थी IBM ने, कब, 1960s में, और इसको रिकॉग्नाइज किया था 1971 में किसको, न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा, एक जो टाइम्स एज अ बज़वर्ड के थ्रू इसको क्या किया था, रिकॉग्नाइज किया गया था। ओके चलो अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिखा गया है, इन केस ऑफ एनी टाइपिंग एरर द होल शीट इज रिक्वायर्ड टू बी टाइप्ड अगेन। तो क्या होता था बच्चों, जब जो भी आपका टाइपराइटर होता है उसमें क्या होता था कि अगर आप जिस भी आपने कुछ टाइप किया है और कुछ एरर आ गई, मान लीजिए आपने कोई वर्ड की स्पेलिंग टाइप की है, जैसे कि आपने टाइपिंग ही टाइप किया है, राइट, टाइपिंग में हमने वाई की जगह एक्स टाइप कर दिया, तो वहां पर क्या होगा, आपको पूरी शीट ही चेंज करनी पड़ेगी, आप उसको बैक स्पेस नहीं कर सकते कि आप वो वर्ड को रिमूव कर दो और पूरा आपका वर्ड ठीक हो जाए, वहां पर ये लिमिटेशन नहीं थी। अगर आपने गलती से एक वर्ड में एरर कर दी तो आपकी पूरी शीट क्या हो जाती थी, यूजलेस हो जाती थी। ओके नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, टू सेंड सम लेटर टू और मोर पर्सन विद अ डिफरेंट एड्रेस रिक्वायर्ड मल्टीपल टाइपिंग एफर्ट्स। मतलब अगर आपको एक ही लेटर को दो से ज्यादा एड्रेस पे भेजने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे कि पहले आपने एक लेटर टाइप किया, फिर उसका एड्रेस टाइप किया, फिर उनको सेंड किया, फिर वही लेटर फिर से टाइप किया, फिर उसका एड्रेस टाइप किया, फिर सेंड किया, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी, राइट। नेक्स्ट है बच्चों इसका, टाइपराइटर डज नॉट हैव ऑल द रिक्वायर्ड कैरेक्टर्स और सिंबल्स, इट इज नॉट पॉसिबल टू टाइप ऑल द कैरेक्टर्स यूजिंग अ टाइपराइटर। मतलब आज के टाइम में आपने जो कीबोर्ड देखा होगा अपने कंप्यूटर का, उसमें आपने कई सारे सिंबल्स देखे होंगे, एट द रेट, शार्प, या मॉड्यूलो, परसेंटेज, एट द रेट, तो ये सारे क्या है, ये सारे सिंबल्स आपके टाइपराइटर में नहीं थे, जो आज के आप लैपटॉप में या आज के कीबोर्ड में देख पाते हो, राइट। अब देखिए, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट इन द डिजायर फॉर्मेट यूजिंग अ टाइपराइटर। मतलब आप जिस तरीके का फॉर्मेट चाहते हो उस तरीके का डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसमें कुछ लिमिटेशंस थी, बहुत सारी चीजें उसमें इनेबल नहीं होती थी, राइट। अब देखिए, इन द ईयर 1974 Xerox कंपनी हैड इंट्रोड्यूस एन इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। मतलब सबसे पहले 1974 में Xerox नाम की एक कंपनी थी जिसने क्या किया था, अपना इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर इंट्रोड्यूस किया था, राइट। एज एन अटेम्प्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मैनुअल टाइपराइटर टू सम एक्सटेंट, मतलब उन्होंने क्या किया था, एन अटेम्प्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब जो मैनुअल टाइपराइटर को करने में जो प्रॉब्लम आती थी उनको सॉल्व करने के लिए उन्होंने, Xerox कंपनी ने एक इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पर बच्चों क्या है, इसका लिंक है, इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आप उसका पूरा हिस्ट्री और पूरा आर्टिकल क्या कर पाओगे, रीड कर पाओगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नॉट ओनली प्रोवाइड बेसिक एबिलिटी टू एंटर एंड मॉडिफाई द टेक्स्ट बट ऑल्सो प्रोवाइड इफिशियंट टेक्स्ट मैनिपुलेशन फंक्शंस दैट कैन बी यूज फॉर डॉक्यूमेंटेशन। मॉडर्न वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड अट्रैक्टिव फीचर, सम ऑफ फीचर प्रोवाइडेड बाय पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर आर एज लिस्टेड बिलो। मतलब जो मैनुअल टाइपराइटर होता था उसमें इतनी सारे फीचर्स अवेलेबल नहीं थे जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर में अवेलेबल थे। उसमें आप अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते थे, उसमें कुछ स्टाइल्स ऐड कर सकते थे, जबकि जो मैनुअल टाइपराइटर था उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस थी, मतलब ये सारी फीचर्स आप उसमें परफॉर्म नहीं कर सकते थे। और उसके हिसाब से आज का जो मॉडर्न टाइपराइटर है उसमें और ज्यादा इनेबल फीचर्स हैं एज अ इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के कंपैरिजन में। अब देखिए ये क्या कहता है, क्रिएट, एडिट, सेव, रिट्रीव एंड प्रिंट द डॉक्यूमेंट। आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो,
सेव कर सकते हो और अपने डॉक्यूमेंट को रिट्रीव और प्रिंट भी कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, सिलेक्ट एंड मूव द टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द डॉक्यूमेंट। ओके, टाइप सॉरी कॉपी द टेक्स्ट टू अदर प्लेस विद इन अ डॉक्यूमेंट। आप क्या कर सकते हो, किसी भी डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट कॉपी करके अपने करंट डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर सकते हो। मूव और कॉपी अ सिलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू एनी अदर डॉक्यूमेंट। चेंज द फॉन्ट साइज फॉन्ट स्टाइल इन द टेक्स्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट का साइज स्टाइल सारा कुछ चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। फॉर्मेट पैराग्राफ एज वेल एज पेजेस, आप अपने पैराग्राफ को फॉर्मेट कर सकते हो और साथ ही साथ अपने पेजेस को भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। चेक स्पेलिंग्स एंड ग्रामर्स, स्पेलिंग और ग्रामर भी आप चेक कर सकते हैं। क्रिएट टेबल्स, मॉडिफाई द साइज ऑफ सिलेक्टेड रोज कॉलम्स एंड सेल्स। कंबाइन वन और मोर डॉक्यूमेंट, एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स को आप क्या कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो। इंसर्ट पिक्चर्स और ग्राफ्स विद इन अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर आप पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हो, ग्राफ्स को इंसर्ट कर सकते हो और किसी भी तरीके का मल्टीमीडिया आप उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। प्रिंट द सिलेक्टेड टेक्स्ट और सिलेक्टेड पेजेस ऑफ द डॉक्यूमेंट, राइट। वर्ड प्रोसेसर्स आर बीइंग यूज्ड इन द बिजनेस होम एजुकेशन दैट इज इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस फॉर पेयरिंग लेटर्स रिपोर्ट्स एंड मैनी अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। मतलब जो आपका वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड प्रोसेसर की हेल्प से आप क्या कर सकती हो, बिजनेस के लिए, होम के लिए, एजुकेशन के लिए, जैसे कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में लेटर्स को प्रिंट कर सकते हो, रिपोर्ट कार्ड प्रिंट कर सकते हो और इसी तरीके के कई अलग तरीके के आप डॉक्यूमेंट्स वहां पे प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। स्टूडेंट यूज इट फॉर प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एंड असाइनमेंट्स। और स्टूडेंट के लिए क्या यूज कर सकते हैं, अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं, असाइनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। टीचर्स यूज वर्ड प्रोसेसर्स फॉर प्रिपेयरिंग क्वेश्चन पेपर्स एंड नोट्स। ओके, अब देखिए, ऑफिस सूट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स विच आर यूजफुल फॉर प्रोसेसिंग, मतलब विच इज यूज फॉर वर्ड प्रोसेसिंग। स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशन स्प्रेडशीट प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन एंड डेटाबेस मैनेजमेंट, दीज आर सेवरल ऑफिस सूट वी विल बी यूजिंग लिब्रे ऑफिस बिकॉज ऑफ इट सेवरल एडवांटेजेस। मतलब जो वर्ड प्रोसेसर है वो कई जगहों पर यूज किया जाता है, जैसे कि ऑफिस में, एजुकेशन की फील्ड में, घर में, किसी भी तरीके का रिपोर्ट का तैयार करने में, स्टूडेंट्स को भी हेल्प करता है अपने प्रोजेक्ट प्रिपेयर करने में, असाइनमेंट प्रिपेयर करने में, और टीचर्स की हेल्प करता है अपने क्वेश्चंस बैंक अपने क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करने के लिए, नोट्स को प्रिपेयर करने के लिए, राइट। तो ये सारे काम होते हैं बच्चों आपके वर्ड प्रोसेसर के लिए। अब वर्ड प्रोसेसर का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है जिसका नाम है लिब्रे ऑफिस। अब यहाँ पर देखते हैं लिब्रे ऑफिस क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इसके कई सारे एडवांटेजेस हैं। ओके, चलिए देखते हैं अब इसका क्या है। एक सेकेंड का होल्ड करेंगे बच्चों। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम पहुंच गए हैं लिब्रे ऑफिस। अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि लिब्रे ऑफिस होता क्या है। लिब्रे ऑफिस इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। लिब्रे ऑफिस क्या है, एक फ्री है और एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो फुल्ली फीचर ऑफिस प्रोडक्टिविटी सूट। करेंटली द वर्जन ऑफ लिब्रे ऑफिस एक 6.0, मतलब ये आपकी बुक में अभी 6.0 चल रहा है, बट अब ये काफी एडवांस हो चुका है। ओके, एंड द अबव आर अवेलेबल, इट इज अवेलेबल फ्री फॉर डाउनलोडिंग फ्रॉम द वेबसाइट। दिस सूट इज अवेलेबल इन मैनी लैंग्वेजेस एंड रन्स ऑन मैनी प्लेटफॉर्म्स लाइक विंडोज, मैक एंड लिनक्स। लाइक समझिए बच्चों, होता क्या है, लिब्रे ऑफिस क्या है, आपका एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। जैसे कि आपने अपने लैपटॉप्स में, अपने कंप्यूटर्स में या अपने स्कूल के कंप्यूटर्स में आपने देखा ही होगा, एमएस नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है ना, काफी ज्यादा फेमस है, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, ये सारा उसी से रिलेट करते हुए एक हमारा सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है लिब्रे ऑफिस, राइट।
लिब्रे ऑफिस की फंक्शनैलिटी बच्चों एमएस ऑफिस की तरह ही होती है। हम यहाँ पे जितने भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे वो हम परफॉर्म करेंगे आपके एमएस ऑफिस पे, राइट, एज अ फॉर्म रखते हुए लिब्रे ऑफिस का। ओके, इट इज यूजेस ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट फॉर पब्लिशिंग डॉक्यूमेंट। लिब्रे ऑफिस कंपोनेंट आर इंटीग्रेटेड विथ ईच अदर एंड हैव अ सिमिलर लुक एंड फील विच मेक्स इट इजी टू यूज एंड ट्रेन। द कंपोनेंट ऑफ लिब्रे ऑफिस आर राइटर फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, कैल्सी फॉर स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन, इम्प्रेस फॉर प्रेजेंटेशन, बेस फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट, ड्रॉ फॉर ड्रॉइंग एंड अदर्स। लिब्रे ऑफिस इंक्लूड सपोर्ट फॉर ओपनिंग द सेविंग फाइल्स इन मैनी कमांड्स इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, HTML, XML, वर्ड परफेक्ट एंड PDF। मतलब ये सारे फंक्शन इसमें भी वर्क करते हैं, जैसे कि आपका हो गया MS Office, Microsoft, है ना, HTML, वर्ड परफेक्ट एंड PDF के फॉर्मेट में भी इसकी फाइल से क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। आपको ये याद रखना है बच्चों, राइटर फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, राइटर किसके लिए, वर्ड की प्रोसेसिंग के लिए। कैल्सी किसके लिए, आपके स्प्रेडशीट के लिए, स्प्रेडशीट की प्रिपरेशन के लिए क्या यूज करेंगे आप, कैल्सी यूज करेंगे, है ना। प्रेजेंटेशन के लिए इम्प्रेस यूज करेंगे, बेस फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट और ड्रॉ फॉर ड्रॉइंग एंड अदर्स। मतलब इस तरह की आप कई तरीके की फाइल इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, चलिए देखिए, कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होता है आपके लिब्रे ऑफिस का। अब यहाँ पर आपकी ओपनिंग दी गई है कि स्टार्टिंग लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस का जो राइटर है वो किस तरीके से ओपन होता है। अब यहाँ पर देखिए, इन जनरल यू विल फाइंड अ शॉर्टकट ऑफ लिब्रे ऑफिस ऑन अ डेस्कटॉप और एन क्विक लॉन्च टास्क बार। अगर आपके लैपटॉप में पहले से लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल है तो आप सिंपली जाएंगे टास्क बार में और वहां पर आपको लिब्रे ऑफिस डाल देना है, तो आपके सामने क्या हो जाएगा, लिब्रे ऑफिस का आइकन आ जाएगा और आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए, टू स्टार्ट लिब्रे ऑफिस राइटर इन अ विंडोज, डबल क्लिक लिब्रे ऑफिस राइटर शॉर्टकट विच इज यूजली फाउंड ऑन अ कंप्यूटर डेस्कटॉप, राइट। सिंपली आपको क्या करना है, उसके आइकन पे डबल क्लिक करना है और वो आपका ओपन हो जाएगा, राइट। अब यहां पर देखते हैं, अल्टरनेटिवली क्लिक ऑन अ स्टार्ट और विंडोज बटन। सिंपली आपको क्या करना है, स्टार्ट पे जाना है और विंडो बटन पे क्लिक करना है। सिलेक्ट लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस राइटर फ्रॉम एप्लीकेशन विंडोज। आपको क्या करना है, अगर आपके सिस्टम में लिब्रे ऑफिस है तो आप लिब्रे ऑफिस को ओपन कर लीजिए। अगर आपके सिस्टम में लिब्रे ऑफिस का फंक्शन या लिब्रे ऑफिस का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो आप उसकी जगह एमएस ऑफिस को भी ओपन कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, यूजिंग द सर्च कमांड टाइप द वर्ड राइटर। आपको कमांड जो नीचे रहेगा, सर्च पैनल जो रहेगा, वहां पर आपको क्या टाइप करना है, राइटर को टाइप करना है इन द सर्च फील्ड एंड सिलेक्ट लिब्रे ऑफिस राइटर फ्रॉम अ ऑफर्ड रिजल्ट। ओके, आपको ताकि वो जो एप्लीकेशन इंस्टॉल है उसका आपको लिंक मिल सके, उसकी आपको कमांड मिल सके, राइट। इन उबंटू लिनक्स फाइंड द लिब्रे ऑफिस राइटर ऑन द एप्लीकेशन लॉन्चर और सर्च इट बाय द क्लिकिंग ऑन शो एप्लीकेशन। अगर आप उबंटू या लिनक्स यूज कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, लिब्रे ऑफिस के आइकन पे क्या कहाँ पर जाना है, लॉन्चर पर जाना है और उसको क्लिक करके शो एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओके, तो ये स्टेप्स हैं बच्चों आपके लिब्रे ऑफिस को ओपन करने के लिए। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि लिब्रे ऑफिस तो ओपन हो जाएगा, बट अगर हमें अपने सिस्टम में एमएस विंडोज को ओपन करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, राइट। तो सबसे पहले हमने इसको मिनिमाइज किया, हम चले यहाँ पर सर्च पैनल में। यहाँ आपको सर्च पैनल दिख रहा है बच्चों, सर्च पैनल में आपको टाइप करना है एमएस, राइट। एमएस किया हमने, यहाँ पर हमको वर्ड का सिंबल मिल गया तो हमने इस पे डबल क्लिक किया इस तरीके से और ये हमारे सामने एमएस वर्ड 2016 ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप एमएस वर्ड पे जाओगे आपके सामने ये कई तरीके की टेम्पलेट्स ओपन होके दिखेंगे, राइट। यहाँ पर आपको हर तरीके की टेम्पलेट मिल जाएंगी जिसमें आपको जिस तरीके का डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है आप उसे वो क्रिएट कर सकेंगे। जैसे कि
अगर आपको मीडियम रेज्यूमे बनाना है, लेटर बनाना है, रिपोर्ट बनाना है, या जो जिस भी तरीके का आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सिंपली मैंने क्या किया, मुझे चाहिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट, तो मैंने क्या किया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्या कर दिया, राइट, सिंपली डबल क्लिक किया और यहाँ पे मेरा ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका, राइट। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि आपको एमएस वर्ड ओपन कैसे करना है, वहां पर आपको दिया है लिब्रे ऑफिस। अगर आपके सिस्टम में लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल नहीं है तो उसकी जगह पर आप एमएस ऑफिस को भी यूज कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों आप सभी को इतना तो समझ आया होगा कि एमएस ऑफिस को ओपन कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए हम वापस चलते हैं अपनी स्लाइड पे और देखते हैं, हम पहुंच गए अपनी स्लाइड पे, अब आगे देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे बच्चों हमारा नेक्स्ट स्टेप है क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर एमएस ऑफिस में आपको डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करना है हम ये सीख लेते हैं। अब देखिए पहले हमारा स्टेप नंबर 1 दिया है, क्रिएट अ न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग अ फाइल मेन्यू, न्यू एंड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। आपको क्या जाना है, फाइल मेन्यू पे जाना है, न्यू पे क्लिक करना है और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेना है, राइट। और स्टेप नंबर 2 है बच्चों, नाउ सेव द फाइल बाय क्लिकिंग ऑन द फाइल मेन्यू। अगर आप उस फाइल को सेव करना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या करोगे, फाइल मेन्यू पे जाके सेव बटन पे क्लिक करोगे और आपका वो डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। गिव सम नेम, मतलब आप उस फाइल को कुछ नेम दे सकते हो ताकि वो उस फॉर्मेट में क्या हो सके, सेव हो सके। स्टेप नंबर 3 है बच्चों, सेविंग द फाइल बाय अनदर नेम, इट इज पॉसिबल टू मेक अनदर कॉपी ऑफ द फाइल बाय सेविंग विथ Saving it with another name using the same option. अगर आप क्या कर रहे हो, उसी document में कुछ changes करना चाह रहे हो और same उसको फिर उसी नाम से save करना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके save as option पे जाके उसको save कर सकते हो ताकि वो जो another document है वो उसी नाम से क्या हो जाए, save हो जाए। Once the user save the document by giving a name, it is called a file. अगर आपने क्या किया, उस document को आपने कुछ नाम दे दिया है और उसको save कर दिया है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका file कहलाएगा। The user can save the file with another name in another location using a save as option. The user will get two files, the previous one and the one the with the new name. Sorry. तो आप क्या कर सकते हो, अगर एक ही नाम की दो फाइल्स आप बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, उसी फाइल में जो भी आपने लिखा है उसको आप सेव एज करोगे और उसका लोकेशन आप चेंज कर दोगे, आपकी दो फाइल सेम बन जाएगी अलग अलग लोकेशन पे। ओके चलिए स्टेप नंबर 4 है बच्चों, क्लोजिंग द डॉक्यूमेंट। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क क्लोज द फाइल एज टू मेनी ओपन फाइल विल कोज अ डिस्टर्बेंस इन वर्किंग। टू क्लोज फाइल सिलेक्ट फाइल क्लोज। अगर आप किसी काम कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो और आपका काम फिनिश हो चुका है, तो आप क्या करोगे, अपने जो वर्किंग विंडो है या वर्किंग जो फाइल है उसको आप क्या करोगे, क्लोज करोगे। एक साथ कई सारी फाइल्स ओपन होने में क्या होता है, हमारे वर्क में क्या होता है, बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस फाइल पे वर्क कर रहे थे। इसलिए जिस टाइम पे हम वर्क कर रहे हैं, एक वन टाइम पे वन ही फाइल को ओपन करके रखें ताकि आप बहुत ज्यादा हौच पोच ना हो और आपको वर्किंग में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो। ओके नेक्स्ट है बच्चों हमारा स्टेप नंबर 5, ओपनिंग द डॉक्यूमेंट इट मे फर्दर रिक्वायर टू ओपन अ फाइल और एडिटिंग। सिलेक्ट फाइल ओपन या फिर आप कंट्रोल प्लस ओ करोगे तो भी आपकी फाइल क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। एंड द डॉक्यूमेंट विल बी ओपन फॉर एडिटिंग। आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस ओ करोगे या सिंपली आप फाइल मेन्यू पे जाके ओपन फाइल करोगे तो आपकी फाइल या आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा एडिटिंग के लिए, राइट। तो ये बच्चों हमारी 5 स्टेप्स थी। तो यहाँ पे हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं ये आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। एक सेकेंड का होल्ड करेंगे बच्चों, हम थोड़ा सा पानी पिए।
राइट देखिए बच्चों, ये आपके लिब्रे ऑफिस का एक स्क्रीनशॉट लिया है। यहाँ पर देखिए आपको दिखेगी फाइल। फाइल पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट या जिस भी तरीके के फंक्शन वहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, डेटाबेस, एचटीएमएल, एक्सएमएल, ये सारे फंक्शन आपको वहां पर मिल जाएंगे। राइट, तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट में आपको फाइल ओपन कैसे करनी है, क्रिएट कैसे करनी है, सेव कैसे करनी है। राइट, तो हम मूव करेंगे अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे। यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे। राइट, तो सिंपली हमें क्या करना है, हमें जाना है फाइल मेन्यू पे। हम गए फाइल मेन्यू पे, हमने ओपन किया न्यू। हम न्यू पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने कई सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। हमें जिस भी तरीके का टेम्पलेट लेना है, हम उसको उठाएंगे और उस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा न्यू टेम्पलेट ओपन हो चुका है। अगर मैंने यहाँ पर लिखा हेलो और मैं इसको सेव करना चाहती हूँ, राइट, हेलो मैंने लिखा है और मैं इसको सेव करना चाह रही हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली मैं फाइल पे जाऊंगी। राइट, फाइल पे यहाँ पे सेव ऑप्शन दिख रहा है। अब सेव ऑप्शन में यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस पीसी। दिस पीसी मतलब आपको कहाँ पर इसकी लोकेशन रखनी है, आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने रखी लोकेशन डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे मैंने इसकी लोकेशन सेव कर ली। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि फाइल का नेम भी आ गया है। अब फाइल का नेम आया और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सेव एज टाइप। अब यहाँ पर टाइप भी आ गया कि आप किस टाइप में अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं। राइट, तो पहले तो मैंने देखा कि मुझे वर्ड डॉक्यूमेंट ही चाहिए, तो मैंने उसका नाम रखा वर्ड डॉक्यूमेंट, और मतलब वर्ड डॉक्यूमेंट ही मैंने सिलेक्ट किया और देन उसको सेव कर दिया। तो मेरी फाइल क्या होगी, यहाँ पर वो डेस्कटॉप पे जाकर सेव हो चुकी है। अब मैंने इसमें हेलो हेलो कर दिया। राइट, हेलो हेलो कर दिया। अब उसको मुझे क्या करना है, सेव एज करना है। तो मैं क्या करूंगी, मैंने जो भी चीजें एडिट की हैं, है ना, मैंने पहले हेलो लिखा था, उसके बाद मैंने उसमें एक और हेलो प्लस किया। राइट, ऐड कर दिया है और मैं चाहती हूँ कि ये फाइल जो मेरी हेलो फाइल है उसी में जाके ऐड हो जाए, तो मुझे किस ऑप्शन पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, सेव एज पे क्लिक करूंगी। सेव एज पे जाके डेस्कटॉप पे। राइट, डेस्कटॉप पे क्या है, हेलो हेलो है और इसको मैंने सेव कर दिया। तो क्या हो गया, ये जो हेलो हेलो फाइल है, जो हेलो फाइल बनी थी उसी में जाकर क्या हो जाएगी बच्चों, सेव हो जाएगी। तो ये सिंपली थी बच्चों, बहुत ही आसान है कि आप किस तरीके से नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो और किस तरीके से आपका जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है उसको आप ओपन कर सकते हो। अगर आपको ओपन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आप फाइल मेन्यू पे जाओगे, उसमें से आप ओपन आइकन को सिलेक्ट करोगे। यहाँ पर आपको वैसे तो रिसेंट सारी चीजें शो हो जाती है कि आपने जो भी नया रिसेंट टास्क फॉर्म किया है वो ओपन हो जाएगा। अब मैंने जो अपनी हेलो फाइल बनाई थी वो मैंने क्लिक किया उस पर और वो जो मेरा फाइल था वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। आई होप बच्चों आपको इतना समझ आया होगा कि एमएस में नया विंडो, नया डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे सेव किया जाता है, कैसे सेव एस किया जाता है और साथ ही साथ उसको कैसे ओपन भी किया जाता है। ओके, चलिए वापस चलते हैं हम अपने स्लाइड पे। ओके, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम देखते हैं कि हमारी नेक्स्ट चीज क्या आने वाली है। अब यहाँ पर है टू सेव अ डॉक्यूमेंट यूजिंग अ पासवर्ड। अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है पासवर्ड को यूज करते हुए, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टू सिलेक्ट अ फाइल और उसको क्या करना पड़ेगा, फाइल में जाके उसको सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है। सिलेक्ट द लोकेशन ऑन डिस्क टू सेव द फाइल। टाइप अ सुटेबल नेम फॉर द डॉक्यूमेंट। राइट, क्लिक ऑन सेव बटन टू सेव द डॉक्यूमेंट विद पासवर्ड। पुट अ टिक ऑन अ चेक बॉक्स सेव विद पासवर्ड। टाइप द पासवर्ड टू ओपन द फाइल इन अ सेट पासवर्ड डायलॉग बॉक्स। टाइप द सेम पासवर्ड इन अ सेकेंड बॉक्स एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन, क्लिक ऑन ओके बटन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ पासवर्ड को अटैच करना चाहते हो तो सिंपली आपको क्या करना है, आप जो भी फाइल क्रिएट करोगे, जो भी फाइल बच्चों आप क्रिएट करोगे उसके साथ आपको एक छोटा सा चेकबॉक्स आएगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो वहां पर आपको पासवर्ड एंटर करने का ऑप्शन आने लगेगा। आप जैसे ही पासवर्ड एंटर करोगे आपके पास सामने कंफर्म पासवर्ड करने के लिए भी एक ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर भी क्लिक करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट के साथ आपका पासवर्ड क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है बच्चों हमारा पार्ट्स ऑफ राइटर विंडो। मतलब जो ऊपर राइटर विंडो चलते हैं उनके पार्ट्स कौन 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 से होते हैं ये हम समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला है हमारा
द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ राइटर विंडो हैव बीन ब्रीफली एक्सप्लेन बिलो. मतलब पहले भी हमने ब्रीफली थोड़ा थोड़ा समझा है कि टाइटल बार क्या होता है ना, विंडोज क्या होते हैं, फॉर्मेट टेक्स्ट क्या होता है. चलिए इसके साथ साथ हम डिटेल में इनको समझ लेते हैं. देखिए पहला है बच्चों हमारा टाइटल बार. टाइटल बार क्या है? टाइटल बार इज लोकेटेड ऑन अ टॉप ऑफ राइटर विंडो. इट शोज द लिटिल ऑफ द करेंटली ओपन डॉक्यूमेंट. द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट मींस द फाइल नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट सेव ऑन अ डिस्क. फॉर अ न्यू डॉक्यूमेंट इट शोज द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट एज अ अनटाइटल एक्स. वेयर एक्स इज द डॉक्यूमेंट नंबर. अनटाइटल वन, अनटाइटल टू, अनटाइटल थ्री एक्सेट्रा एज वी गो ओपनिंग द न्यू डॉक्यूमेंट. तो टाइटल बार क्या होता है? उसमें ये टाइटल बताता है कि प्रेजेंटली आपके सामने कौन सा डॉक्यूमेंट ओपन है और उस डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या दिया गया है. अगर आपने उसका कुछ नाम दिया है तो वो उस नाम से सेव होगा. अगर आपने कुछ भी नाम नहीं दिया है तो उसका नाम आएगा अनटाइटल एक्स, अनटाइटल वन, अनटाइटल टू, या जितने भी आपने उसके डॉक्यूमेंट ओपन करके रखे उतने अनटाइटल डॉक्यूमेंट वहां पर आपको शो होने लगेंगे, राइट. तो ये होता है आपका टाइटल बार. अब देखिए यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं ये सारा क्या है? टाइटल बार है. देखिए यहाँ पर आपको अनडिफाइंड डॉक्यूमेंट दिख रहा है. ये जो है आपका ये मेन्यू बार है. ये हो गया आपका स्टैंडर्ड टूल बार. ये है बच्चों आपका फॉर्मेटिंग टूल बॉक्स. यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? अपने वर्ड्स को फॉर्मेट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, राइट. ये है आपका स्टेटस बार, जूम कंट्रोल, एंड ये है आपका वर्टिकल स्क्रोल बार. यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को अप एंड डाउन कर सकते हैं और यहाँ से आप अपने वर्ड्स को जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं. ये आपका स्टेटस बार है कि अभी आपके डॉक्यूमेंट का स्टेटस क्या चल रहा है, राइट बच्चों. चलिए नेक्स्ट है बच्चों हमारा मेन्यू बार. मेन्यू बार क्या होता है? इट अपीयर्स बिलो द टाइटल बार. जस्ट टाइटल बार के नीचे जो एक आइकन होता है वहां पर होता है मेन्यू बार. इट शोज द मेन्यू आइटम लाइक फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल्स, टूल, विंडोज एंड हेल्प. ऑन सिलेक्टिंग अ मेन्यू आइटम इट्स सब मेन्यू विल ओपन बिलो एंड मेन्यू आइटम्स. मतलब क्या करोगे? जैसे ही आप मेन्यू पे क्लिक करोगे, है ना, आप न्यू पे क्लिक करोगे तो न्यू में आपके सामने बहुत सारी विंडो, मतलब एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें कई तरीके के टेम्पलेट्स आपको दिखने लगेंगे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड. तो वो आपका क्या कहलाएगा? सब मेन्यू कहलाएगा. We can select any item in the sub menu as per the requirement, right? Selecting a file menu shows a sub menu as shown in figure 3.6. The sub menu item which shows three dots, मतलब जो sub menu items रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया सेव लिखा है. सेव के क्लिक करने के बाद यहाँ पे तीन मेन्यू ओपन हो जाएंगे जिसमें पता चलेगा कि आपको किस लोकेशन पे अपने डॉक्यूमेंट को सेव करके रखना है, राइट. Just after the sub menu name means clicking on it will open the dialog box. आप जैसे ही sub menu पर क्लिक करोगे तो एक dialog box वहां पर ओपन हो जाएगा. The sub menu item which shows right hand side arrow just after the sub menu name means clicking on it will open another sub menu. आप क्या करोगे? एक sub menu आपने ओपन करके रखा है और उसके बाद आपको इस तरीके का एरो बटन दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब ये होता है कि आपके सामने एक और सब मेन्यू ओपन होगा अगर आप इस एरो पे क्या करोगे? क्लिक करोगे तो, राइट. चलिए नेक्स्ट आता है बच्चों टूल बार. टूल बार समझते हैं क्या होता है. द टूल बार अपीयर्स बिलो मेन्यू बार. मेन्यू बार के नीचे जस्ट होता है उसको कहा जाता है टूल बार. By default, the standard toolbar and formatting toolbar will appear, and the other toolbars can activated by clicking on view. मतलब जो ये normally जो रहता है हमारा by default toolbar active रहता है, पर आप क्या करोगे? कुछ other toolbar को activate कराना चाहते हो तो आपको view पे क्या करना पड़ेगा? Click करना पड़ेगा. View menu पे आपको click करना पड़ेगा. And selecting the toolbars of sub menu, और toolbar के sub menu को आपको select करना पड़ेगा. The user can choose the required toolbar by clicking on it, right? The select toolbar will show the under root sign. इस तरीके का sign शायद आप देख पा रहे होंगे. Sign before the toolbar. Suppose we select the find toolbar, then find words in the toolbar will appear the find. मतलब क्या होगा? आप जैसे कुछ word को search करना चाहते हो तो आपके सामने फाइंड टूल बार एक्टिव हो जाएगा और जो भी डिजायर वर्ड आपने उसमें टाइप किया है वो आपको ढूंढकर उसमें दे देगा. ओके, देखिए
नेक्स्ट आता है बच्चों स्टैंडर्ड टूल बार। इट कंटेन्स कमांड इन फॉर्म ऑफ आइकन्स, मतलब स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर सारे कमांड्स रहते हैं आइकन के फॉर्म में, राइट। नेक्स्ट है बच्चों हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार। इट कंटेन्स द वेरियस ऑप्शन फॉर फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट। अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कमांड्स इज शोन इन द फॉर्म ऑफ आइकन्स। तो यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर आप कई चीजों को फॉर्मेट कर सकते हो, वर्ड्स को, नंबर्स को, उसमें आप मतलब उसमें एडिटिंग कर सकते हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एड कर सकते हो, अपने वर्ड्स को फॉर्मेट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर काउंट हो। ओके, नेक्स्ट है बच्चों आपका स्टेटस बार। दिस इज अ पोजीशन एट द लेफ्ट बॉटम ऑफ द राइटर विंडो एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ पेजेस, वर्ड्स, लैंग्वेज यूज, ज़ूमिंग एक्सेट्रा। इट इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द वर्क स्पेस। आपको अभी हमने दिखाया था कि यहाँ पर ये जो शो हो रहा है ये क्या है, आपका स्टेटस बार कहलाएगा, राइट। ये जो नीचे के साइड आपको दिख रहा है ये कहलाएगा आपका स्टेटस बार। और ये आपको क्या शो करेगा कि पेज का नंबर कौन सा चल रहा है, वर्ड्स कौन से यूज हो रहे हैं, लैंग्वेज कौन सी यूज हो रही है, और जूमिंग कितना है, क्या 100% है या 200% है या 20% है। ये सारा आपको स्टेटस बार के ऊपर शो होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है बच्चों हमारा स्क्रोल बटन एंड स्क्रोल बार। इट इज यूज टू स्क्रोल द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को अप एंड डाउन करने के लिए क्या यूज करेंगे हम, स्क्रोल बटन एंड स्क्रोल बार को हम यूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट है बच्चों हमारा जूम। जूम क्या होता है, इट अलाउज टू चेंज द स्केल ऑफ द टेक्स्ट एंड पिक्चर इन अ डॉक्यूमेंट ओनली फॉर द व्यू। आप अपने व्यू को थोड़ा बड़ा करना चाहते हो, पिक्चर को थोड़ा जूम इन करना चाहते हो, या टेक्स्ट को थोड़ा जूम आउट करना चाहते हो, तो आप जूम फंक्शन का यूज कर सकते हो, राइट। इट डज नॉट अफेक्ट द फिजिकल डॉक्यूमेंट। इट इज यूज टू चेक द फिनिशिंग क्वालिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब ये आपके डॉक्यूमेंट को फिजिकली बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेगा और कुछ भी उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके थ्रू आपको बस फिनिशिंग क्वालिटी पता चलेगी कि आपके डॉक्यूमेंट की क्वालिटी कितनी अच्छी है, राइट। टू नो द मीनिंग ऑफ अदर टूल, पोजिशन द माउस पॉइंटर ऑन अ टूल एंड सी द टूल टिप। मतलब आप क्या करोगे, माउस के पॉइंटर को कहाँ पर लेकर जाओगे, टूल पर लेकर जाओगे, तो वहां पर आपको कई सारे फीचर जो उसमें इनेबल है वो भी आपको शो होने लगेंगे, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा कर्सर मूवमेंट। एक सेकेंड का हम होल्ड करेंगे। बच्चों तो यहाँ पे हमने ये सारे फंक्शन देखे कि किस तरीके से टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टेटस बार, राइट, स्क्रोल बटन एंड जूम फंक्शन के काम किए जाते हैं। इसके बाद हम पहुंचेंगे कर्सर मूवमेंट, कि कर्सर का मूवमेंट कैसा होता है, कर्सर कहाँ कहाँ तक जा सकता है, क्या क्या कर्सर की इंपॉर्टेंस है, राइट, ये हम यहाँ पर सीखने वाले हैं बच्चों। ओके, चलिए देखते हैं। पहला है बच्चों हमारा टेक्स्ट कर्सर मूवमेंट। टेक्स्ट कर्सर मूवमेंट क्या होता है, ऑब्जर्व द लोकेशन ऑफ अ टेक्स्ट कर्सर, प्रेस द डिफरेंट कर्सर कंट्रोल कीज ऑन अ कीबोर्ड एंड वॉच हाउ द टेक्स्ट कर्सर मूव अराउंड, राइट। अब इसके लिए आपको क्या करना है, लेट्स रिवाइज प्रैक्टिस यूजिंग अ कर्सर कंट्रोल कीज until you are able to position the text cursor exactly where you want it, right? तो इसके लिए आपको कर्सर की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप कर्सर को कहाँ लेके जाना चाहते हो, किस तरीके से ये यूज कर सकता है, किस तरीके से राइट क्लिक होता है, किस तरीके से लेफ्ट क्लिक होता है, अगर सिंगल वर्ड को आप हाईलाइट करना चाहते हो तो कैसे यूज करोगे, पूरे टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हो तो कर्सर कैसे वर्क करेगा। तो इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, बट आप बहुत ही आसानी से सीख जाओगे, राइट। देखिए, there are two keys above the cursor control mark as home and end. Pressing the home key jump to the beginning of the line and pressing a end key jump to the end of the line. तो आप क्या करोगे, अगर आप home key को press करोगे तो beginning of the line पे पहुंच जाओगे, paragraph की जो line रहेगी, initial line जो रहेगी या initial text जो रहेगा, आपकी cursor वहां पर पहुंच जाएगा, और उसके बाद अगर आप end key को press करोगे तो आपका cursor line के end में पहुंच जाएगा, right? अब देखिए, पोजिशन द टेक्स्ट कर्सर ऑन अ लाइन ऑफ द डॉक्यूमेंट।
Press the home key and observe that the text cursor jumped to the beginning of the line. Press the end key and observe that the text cursor jumped to the end of the line. तो ये दोनों चीजें आपको observe करनी है कि आप कहाँ जब home key को press करोगे तो आपका cursor कहाँ पर जाता है और जब आप end key को press करोगे तो आपका cursor कहाँ पर पहुँचता है, right? अब देखिए, when these keys are pressed in a combination with control key, the cursor jump to the beginning and end of the document. अब क्या करोगे? जब भी इन keys को आप end key, home key या end key को control key के साथ combination करके press करोगे, तो आप देखोगे कि आपके cursor beginning of the line और end of the document पे पहुंच जाएगा. ओके, जंप टू द बिगिनिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट, प्रेस द कंट्रोल की, होल्ड इट डाउन, देन प्रेस द एंड की, मतलब कंट्रोल प्लस होम. कंट्रोल प्लस होम करोगे तो आपका कर्सर डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग में पहुंच जाएगा, और अगर आप कंट्रोल प्लस एंड करोगे तो आपका जो कर्सर रहेगा वो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट पहुंच जाएगा. अगर कंट्रोल प्लस होम करोगे तो बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट में पहुंचेगा, और कंट्रोल प्लस एंड करोगे तो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट के पहुंच जाएगा. तो ये होती है हमारे कर्सर की इंपॉर्टेंस, कि अगर आप नॉर्मली कर्सर यूज करोगे और होम की प्रेस करोगे तो वो बिगिनिंग ऑफ लाइन में पहुंचेगा, और सिंपली आप होम की को प्रेस करोगे तो वो एंड ऑफ द लाइन पे पहुंचेगा. बट इन केस मतलब इनके साथ आप कॉम्बिनेशन में कंट्रोल की को यूज करोगे, तो कंट्रोल की को प्रेस करोगे होम के साथ तो वो कहाँ पहुंचेगा? बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट. और कंट्रोल के साथ एंड की को प्रेस करोगे तो वो पहुंचेगा आपका एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट. तो यहाँ पर आपको इतनी चीजें आई हो बच्चों, क्लियर हो गई होगी. आगे चलते हैं. अब देखिए, यहाँ पर आपको दो साइंस दिए हुए, इस तरीके का एक कर्सर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक इस तरीके का कर्सर है और एक यहाँ पर एक सिंपल सा आई बना हुआ है. ठीक है, दोनों चीजों को समझते हैं. दिस इज द माउस पॉइंटर. ये आप सभी ने देखा होगा कि ये माउस पॉइंटर होता है आपका. इट टेक्स द पॉइंटर शेप वाइल मूविंग इट अराउंड द स्क्रीन. आप जैसे ही स्क्रीन के पास जाते हो तो ये किस तरीके का पॉइंटर का शेप ले लेता है. द माउस पॉइंटर चेंजेस टू आई शेप. माउस का जो पॉइंटर होता है वो किस शेप में आ जाता है? आई के शेप में आ जाता है. व्हेन मूव्ड ओवर द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट. आप जैसे ही टेक्स्ट के ऊपर उसको अपने कर्सर को टेक्स्ट के ऊपर मूव कराते हो तो वो कहां पर पहुंच जाता है? किस तरीके का बन जाता है? इस तरीके का आई बन जाता है, राइट. मूविंग द शेप पॉइंटर ओवर द टेक्स्ट एंड क्लिकिंग ऑन अ डिजायर टेक्स्ट हेल्प टू गेट द टेक्स्ट कर्सर व्हाइल एडिटिंग द डॉक्यूमेंट. दस द माउस इज यूज्ड टू माउस इज यूज टू कंट्रोल द टेक्स्ट कर्सर लोकेशन. ओके बच्चों, अगेन बच्चों, ओके. यहाँ पे आपको बताया है कि जैसे ही आप किसी टेक्स्ट के ऊपर मूव करते हो तो जो आपका कर्सर होता है वो आई के शेप में आ जाता है, और आप किसी भी स्क्रीन के ऊपर अगर आप अपने कर्सर को मूव करते हो या किसी इमेज के ऊपर मूव करते हो तो वो इस तरीके का सिंबल बना देता है कि आप अपने मतलब इमेज को जूम आउट कर लीजिए या जूम इन कर लीजिए, राइट. तो ये वो दोनों फंक्शन होते हैं आपके कर्सर के. अब यहाँ पे है बच्चों एडिटिंग द डॉक्यूमेंट. अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को एडिटिंग करना चाहते हैं तो क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए और किस किस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, देखिए. पहला है बच्चों आपका अंडू एंड रीडू ऑप्शन. ओपन द एग्जिस्टिंग फाइल, फॉर एग्जाम्पल रिपोर्ट डॉट ओडीएफ, एंड देन स्टार्ट एडिटिंग इन इट. If by mistake you have made some changes and now you want to erase the last changes done, then use the undo option. After undo command, again if you want to go back, then use the redo option. Redo undo मतलब जो आपने किया है उसको आपको cancel करना है, और मतलब जो आपने किया है उसको फिर से आपको मतलब वापस लेकर आना है, तो वो आ जाएगा आपका redo option, right? Next है moving and copying text. Cut and paste. It is used to move a selected text from one place to another. Select the text and click on Edit, Cut option and press Ctrl X. Press the cursor where the text has to be moved. Click on Edit, Paste option or Ctrl V.
सिंपली आपको यहाँ पर ये बताया गया है कि किस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को मूव कर सकते हो, किस तरीके से उसको कॉपी कर सकते हो, किस तरीके से उसको एडिट कर सकते हो और किस तरीके से उसको प्रेस आप कर सकते हो। ये तीनों चीजें बच्चे हम एक साथ करेंगे, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे ताकि आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो सके, राइट। नेक्स्ट है बच्चों आपका कॉपी एंड पेस्ट। इट इज यूज टू मेक अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट। स्टेप वन है सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन एडिट कॉपी ऑप्शन और प्रेस कंट्रोल प्लस सी। स्टेप नंबर टू है आपका प्लेस द कर्सर वेयर द टेक्स्ट हैज टू बी डुप्लीकेटेड एंड देन क्लिक ऑन एडिट पेस्ट ऑप्शन प्रेस कंट्रोल प्लस वी। नेक्स्ट है बच्चों आपका सिलेक्टिंग टेक्स्ट। इट इज नेसेसरी टू सिलेक्ट द टेक्स्ट टू परफॉर्म कॉपी एंड पेस्ट ऑपरेशन। द सिलेक्टेड टेक्स्ट विल बी हाईलाइटेड। फॉर एडिटिंग द टेक्स्ट यू मस्ट फर्स्ट सिलेक्ट द रिक्वायर्ड टेक्स्ट, देन एडिटिंग कैन बी डन ऑन द सिलेक्टेड टेक्स्ट। मतलब यहां पर आपको सिंपली ये बताया है कि आप किसी दूसरी जगह से उठाकर किसी मतलब मटेरियल को लेकर आइए, वहां पे पेस्ट कीजिए और उसको एडिट कीजिए। किस तरीके से आप एडिट करेंगे और जो भी टेक्स्ट हाईलाइटेड होगा आप उसमें कैसे एडिटिंग को कौन कौन सी एडिटिंग उसमें रिक्वायर है, कौन कौन सी एडिटिंग आप उसमें परफॉर्म कर सकते हो, राइट। अब देखिए पहले हम ये देख लेते हैं कि आपको एडिटिंग कैसे की जाती है, टेक्स्ट को कट और पेस्ट किया जाता है, राइट। तो सिंपली हमने क्या किया, यहां से उठाया हमने इतना फॉर्मेट, आप देख पा रहे हो, आप इसको क्या कर सकते हो। इतना हमने क्या किया है, मैं अपने आप को पहले डिसेबल कर लेती हूँ। ये हमने इतना टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है और मैंने यहाँ पे किया राइट क्लिक, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इतना मैंने सिलेक्ट किया टेक्स्ट को, यहाँ पे मैंने किया इसको राइट क्लिक। राइट क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका क्या ऑप्शन आ रहा है, कॉपी का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप देखिए इसको हमने किया सिलेक्ट करते हैं पहले और सिंपली आपको करना है कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी किया मतलब ये जो टेक्स्ट है ये क्या हो चुका है, कॉपी हो चुका है। देन हम मूव करेंगे, पहले मैं अपने आप को थोड़ा डिसेबल कर लेती हूँ बच्चों, राइट। हमने इतना टेक्स्ट यहाँ से कॉपी कर लिया है, राइट। इतना टेक्स्ट हमने यहाँ से कॉपी किया है, कॉपी करने के लिए कमांड थी बच्चों कंट्रोल प्लस सी, ओके। देन हम मूव करेंगे अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे, यहाँ पर हमारे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर हम पहुंचे हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे। देन मैंने यहाँ पे प्रेस किया है, आप देख पा रहे हैं मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे, राइट। जहां पर भी मुझे पेस्ट कराना है मैं वहां पर करूंगी कंट्रोल प्लस वी। अब कंट्रोल प्लस वी किया है तो आप देख पा रहे हैं जितना भी टेक्स्ट मैंने वहां से कॉपी किया था वो यहाँ पर आके क्या हो चुका है, पेस्ट हो चुका है। तो ये सिंपली हुआ कॉपी एंड पेस्ट का ऑप्शन। अगर यहाँ पे क्या किया, इतना टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया है, अब मैं क्या करना चाहती हूँ, इतने को यहाँ से अंडू करना चाहती हूँ, है ना। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे कंट्रोल प्लस एक्स कर दिया। कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है, वो जो जितना भी टेक्स्ट था वो क्या हो चुका है, अंडू हो चुका है। अगर मुझे जो टेक्स्ट मैंने अंडू किया है मुझे वापस से वही टास्क परफॉर्म करना है या वापस से वही टेक्स्ट अपने डॉक्यूमेंट पे चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बच्चों एक कमांड होती है जो की होती है कंट्रोल प्लस जेड। मैंने कंट्रोल प्लस जेड किया तो मेरी जो अंडू हो चुकी थी कमांड वो वापस से रीडू हो चुकी है। फिर से हम देखते हैं इसको, थोड़ा सा हम क्या करते हैं जूम इन कर लेते हैं ताकि टेक्स्ट आपको अच्छे से दिखे, राइट। अब देखिए ये जो टेक्स्ट था मुझे क्या करना है, ये यहाँ से हटाना है। इतना टेक्स्ट मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैं अपने डॉक्यूमेंट से इसको हटाना चाहती हूँ तो मैं सिंपली क्या करूंगी कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स से मेरा जो जो टास्क था वो अंडू हो चुका है। अब मैं चाहती हूँ कि जो टास्क मेरा वापस जा चुका है वो वापस से मेरे डॉक्यूमेंट पे मुझे एनेबल होके दिखे तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड करूंगी मैं तो मुझे मैंने जो अपना डॉक्यूमेंट मतलब मैंने जो अपना टेक्स्ट यहाँ से हटाया था वो वापस मुझे यहाँ पर इनेबल होकर दिखने लगेगा। ओके बच्चों, तो ये था हमारा अंडू रीडू और कॉपी पेस्ट का ऑप्शन। तो आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे अंडू और रीडू किया जाता है। अंडू के लिए होती है बच्चों कमांड कंट्रोल प्लस एक्स और रीडू के लिए होती है कमांड कंट्रोल प्लस जेड। कॉपी के लिए होता है कंट्रोल प्लस सी और पेस्ट के लिए होता है कंट्रोल प्लस वी। ओके बच्चों, चलिए हम वापस चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर, अपनी पीपीटी के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया दिया हुआ है। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है ये देख लेते हैं।
देखिए बच्चों, इसमें क्या करना है, सिलेक्शन क्राइटेरिया में टू सिलेक्ट द टेक्स्ट इन राइटर स्वीप द माउस कर्सर ओवर द टेक्स्ट। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली अपने टेक्स्ट अपने कर्सर को टेक्स्ट के ऊपर चलाना है ना, टेक्स्ट के ऊपर ऐसा ऐसा आपको मूव कराना है, राइट, जितना भी टेक्स्ट आपको सिलेक्ट करना है। देयर आर सेवरल सिलेक्शन ट्रिक्स टू स्पीड अप सिलेक्शन प्रोसेस एज बिलो। यहाँ पे कुछ ट्रिक्स आपके सामने दी गई हैं जिससे आप अपनी सिलेक्शन की ट्रिक को स्पीड अप कर सकते हैं, मतलब जो सिलेक्शन की प्रोसेस है उसमें आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। पहला देखिए, टू सिलेक्ट अ सिंगल वर्ड एट अ टाइम। अगर आपको पूरे टेक्स्ट में से सिर्फ सिंगल वर्ड को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पोजिशन द माउस पॉइंटर एनी वेयर ऑन अ वर्ड एंड डबल क्लिक। आपको क्या करना है, इस तरीके से उन वर्ड के ऊपर अपने माउस को स्वीप करना है और जो भी वर्ड आपको पिक करना है उस पे आप क्या करोगे, माउस से डबल क्लिक कर दोगे, राइट, डबल क्लिक करोगे तो वो वर्ड क्या हो जाएगा, वहां पे आपका हाईलाइट हो जाएगा और आप उसको कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, टू सिलेक्ट कंप्लीट सेंटेंस एट अ टाइम। अब आपको क्या करना है, पूरे सेंटेंस को क्या करना है, कॉपी करना है या पूरे सिलेक्ट को आपको वहां से उठाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पोजीशन द माउस पॉइंटर एनी वेयर इन अ सेंटेंस एंड ट्रिपल क्लिक। क्या करना है आपको, पोजीशन द माउस पॉइंटर एनी वेयर, पोजिशन द माउस पॉइंटर एनी वेयर इन द सेंटेंस एंड ट्रिपल क्लिक। ट्रिपल क्लिक मीन्स क्विकली क्लिक ऑन द लेफ्ट माउस बटन 3 times। लेफ्ट माउस बटन को आपको 3 times क्लिक करना है अगर आप कंप्लीट टेक्स्ट कंप्लीट सेंटेंस को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट है बच्चों आपका, टू सिलेक्ट अ कंप्लीट पैराग्राफ एट अ टाइम। अगर आप क्या करना चाहते हैं, कंप्लीट पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो, सॉरी बच्चों, पोजीशन द माउस पॉइंटर एनीवेयर इन द पैराग्राफ एंड क्वाड्रिपल क्लिक। क्वाड्रिपल क्लिक मींस टू क्विकली क्लिक द लेफ्ट माउस बटन 4 times। लेफ्ट के माउस के लेफ्ट बटन को 4 times आपको क्लिक करोगे अगर आप कंप्लीट सेंटेंस को क्या करना चाहते हो, कंप्लीट पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहते हो। अ डॉक्यूमेंट, प्रेस कंट्रोल प्लस ए और कीबोर्ड, है ना, आपको क्या, अगर आप पूरा डॉक्यूमेंट को कॉपी करना चाहते हो या पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हो तो सिंपली आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस ए को प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड में। ड्रैग एंड माउस पॉइंटर टिल यू सी द राइट एरो विच इज वाइट, देन क्लिक इट थ्राइस। आप क्या करोगे, उसके बाद आप देखोगे कि आपका पूरा जो एरो है वो कैसा नहीं हो, वाइट ना हो जाए, और अपनी माउस की लेफ्ट क्लिक से आप 3 times क्लिक करोगे या कंट्रोल प्लस ए करोगे देन कंट्रोल प्लस सी करोगे तो आपका एंटायर जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों आपका, सिलेक्टिंग नॉन कॉन्जिक्यूटिव टेक्स्ट items. The above process shows the selection of continuous tag, but suppose if the tag is not continuous and you have been asked to select a part of the text from a paragraph, then paragraph you may say that it is not possible to select the non-consecutive tags, but the writer provides a way to select the non-consecutive tags using the keyboard and mouse, the selection of non-consecutive items. मतलब ऐसे आइटम जो आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो बट कंप्यूटर उनको शो करा रहा है तो वो कैसे होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर कुछ इतना टेक्स्ट लिखा है उसमें से यहाँ पर कंप्यूटर हाईलाइटेड है, एंटर्ड हाईलाइटेड है, कैरेक्टर हाईलाइटेड है, तो ये क्या आपके नॉन कंटिन्यूअस, मतलब आपके नॉन कंटिन्यूअस टेक्स्ट आइटम्स हैं। अब देखिए, बाय यूजिंग द माउस सिलेक्ट द फर्स्ट पीस ऑफ टेक्स्ट, होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड यूज द माउस टू सिलेक्ट द टेक्स्ट पीस ऑफ टेक्स्ट, नेक्स्ट पीस ऑफ टेक्स्ट, रिपीट एज ऑफन एज नीडेड। ये प्रोसेस आप जब तक करते रहिए जब तक कि आपकी जो जरूरत है वो पूरी नहीं हो जाती। अब नेक्स्ट है यहाँ पर, टू सिलेक्ट द वर्टिकल ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट सिलेक्ट फ्रॉम मेन्यू। आपको क्या करना पड़ेगा, आप एडिट पे जाओगे, सिलेक्शन मोड पे जाओगे, देन ब्लॉक एरिया पे आप जाके उनको क्लिक करोगे और प्रेस कंट्रोल प्लस एफर्ट, मतलब कंट्रोल प्लस एफर्ट से भी आप क्या करोगे, वर्टिकल ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों आपका, सिलेक्टिंग अ वर्टिकल ब्लॉक। अगर आप वर्टिकल ब्लॉक को सिलेक्ट करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर आपके सामने टेबल बना हुआ है और आप इन टेबल को सिलेक्ट करना चाहते हो तो इसको आप कैसे सिलेक्ट करोगे, देखिए
Selecting a vertical block of text is also possible to select a vertical block or column of text that is separated by space or tabs. मतलब simply आप क्या करोगे, अपने माउस को उठाओगे और इस तरीके से लेके जाओगे और इतना जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, राइट. नेक्स्ट आता है फाइंड एंड रिप्लेस. दिस फीचर इज यूज टू सर्च फॉर अ टेक्स्ट एंड रिप्लेस विद अनदर टेक्स्ट. मतलब आप क्या करोगे, यहाँ पर फाइंड करोगे, जैसे कि यहाँ पर फाइंड लिखा है जॉब बार, है ना, जॉब बार को रिप्लेस करना है डिफॉल्ट जॉब फेयर से, है ना. तो आपने क्या किया, इस पे किया, आपने यहाँ पे लिखा हेलो लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया हाय, और इसको आपने कर दिया फाइंड नेक्स्ट. तो ये क्या करेगा, अपने आप को रिप्लेस कर लेगा. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट एडिट फाइंड एंड रिप्लेस. सिलेक्ट पे जाओगे, एडिट पे जाओगे, देन फाइंड एंड रिप्लेस पे जाओगे. द डायलॉग बॉक्स विल ओपन. तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. टाइप द टेक्स्ट यू फाइंड इन द टेक्स्ट बॉक्स. फाइंड टेक्स्ट बॉक्स में जो भी टेक्स्ट आपको फाइंड करना है वो आप कहाँ पर डालोगे, फाइंड टेक्स्ट बॉक्स में उस टेक्स्ट को आप राइट कर दोगे या टाइप कर दोगे. टू चेंज द टेक्स्ट विद डिफरेंट टेक्स्ट एंटर द न्यू टेक्स्ट इन रिप्लेस बॉक्स, राइट. आप यहाँ पे कर दिया आपने जॉब फेयर और नीचे कर दिया न्यू जॉब फेयर. फॉर एग्जाम्पल व्हाइल राइटिंग अ पैराग्राफ द वर्ड आईटी जॉब फेयर, पहले आपने लिखा आईटी जॉब फेयर, इट वॉज टाइप्ड बट इट शुड बी नेशनल आईटी जॉब फेयर सो लेट रिप्लेस इट. तो आपने क्या कर दिया, पहले आपने फाइंड में डाल दिया आईटी जॉब फेयर और नीचे रिप्लेस कर दिया नेशनल आईटी जॉब फेयर. देन आप क्या करोगे, उसको रिप्लेस पे क्लिक करोगे तो जो रहेगा आपका आईटी जॉब फेयर वो नेशनल आईटी जॉब फेयर से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा. ओके बच्चों, चलिए अब ये इसकी स्टेप्स समझ लेते हैं. स्टेप वन, क्लिक ऑन एडिट मेन्यू. नेक्स्ट है आपका फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन और प्रेस कंट्रोल प्लस एफ. ओके, राइट टेक्स्ट अंडर सर्च फॉर ऑप्शन एंड क्लिक फाइंड बटन टू लोकेट कैन क्लिक एंड फाइंड ऑल द सिलेक्ट एंड डिस्प्ले ऑल ऑकरेंस ऑफ द एंटर टेक्स्ट. सिंपली आपको क्या करना है, फाइंड एंड रिप्लेस को क्लिक करना है. आप फाइंड में एक अपना वर्ड डाल दोगे आईटी जॉब फेयर और रिप्लेस में डाल दोगे नेशनल आईटी जॉब फेयर, और दोनों को आपस में क्या कर दोगे, एक्सचेंज कर दोगे, मतलब रिप्लेस करोगे. तो जहां पर आईटी जॉब फेयर लिखा रहेगा वो नेशनल आईटी जॉब फेयर से क्या हो जाएगा बच्चों, रिप्लेस हो जाएगा. अब ये होता है जंपिंग द पेज नंबर. आज हम बच्चों कंप्लीट करेंगे जंपिंग द पेज नंबर. देन नेक्स्ट सेशन में हम यहाँ पे चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर से कंटिन्यू रखेंगे. ओके चलिए, पहला है बच्चों हमारा जंपिंग द पेज नंबर. अगर आपको पेज नंबर पे जंप करना है, समटाइम्स वी मे रिक्वायर टू जंप टू अ पर्टिकुलर पेज नंबर. इट बिकम्स डिफिकल्ट टू स्क्रोल डाउन इफ इट इज अ लार्ज डॉक्यूमेंट विद सेवरल पेजेस. इन सच अ सिचुएशन गो टू पेज फीचर ऑफ अ राइटर इट इज यूजफुल. डू दिस सिलेक्ट एडिट मेन्यू गो टू पेज कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस जी. Specify the page number in the dialog box. The cursor will move to the first character of the specified page number directly. आप क्या करोगे, अगर आपके सामने कोई डॉक्यूमेंट ओपन है जिसमें 200 या 400 पेजेस है, आपको जाना है डायरेक्ट 245 पेज नंबर पे. अब आप स्क्रोल करोगे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा. तो सिंपली आप क्या करोगे, गो टू पेज पे जाओगे और यहाँ पर आप लिख दोगे 245, देन ओके. तो सिंपली आप कहां पर जंप कर जाओगे, पेज नंबर 245 पर जंप कर जाओगे. और सिंपली यहां पर आपको ये भी देखना है, चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि मिलेगा, राइट. तो सिंपली हम पहुंच गए हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे. तो यहाँ पर हमने अपना वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करके रखा है, तो वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर दिया. देन इसके बाद हम पहुंच जाते हैं फाइल मेन्यू में. फाइल मेन्यू में आप देखिए यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन दिख रहा है कहीं, एडिट का ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है, तो जो ओपन है हम वहीं चले जाते हैं. यहाँ ओपन हेलो में हम गए, राइट. यहाँ पर हमने देखा कि फाइंड एंड रिप्लेस कैसे किया जाए, तो कंट्रोल प्लस एफ हमने देखा, कंट्रोल अब एफ देखा. तो यहाँ पर आपके सामने देख पा रहे हैं कि फाइंड का ऑप्शन आ गया है, रिप्लेस का ऑप्शन आ गया है. अब फाइंड एंड रिप्लेस करना है तो देखे है कि हेलो जो लिखा था हमने, इसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं इस वाले हेलो से, ठीक है. चलिए देख लेते हैं रिप्लेस करके, देख पा रहे हैं आप रिप्लेस हो चुका है ये,
फाइंड एंड रिप्लेस। अब यहाँ पर आप देखिए, पेज नंबर पे जंप करना है तो कोई भी डॉक्यूमेंट जब आप ओपन करोगे बच्चों, तो वहां पर जब मल्टीपल पेजेस रहेंगे तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, अपने पेज को जंप कर सकते हो। मतलब अगर वहां पर बहुत सारे पेजेस हैं तो डायरेक्टली आप कहाँ पर जंप कर जाओगे, 400 पेजेस है तो आप पेज नंबर पे टाइप करोगे 245 और या जो भी पेज नंबर पे आप पहुंचना चाहते हो, देन ओके करोगे तो आप उस नंबर के पेज पे पहुंच जाओगे। ओके, तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, आज का सेशन हम यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे कल आपसे एक नए सेशन में इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखते हुए। थैंक यू।